पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले मसर्रत को पुलिस ने आज आखिरकार गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दोपहर बाद पूरा श्रीनगर पथराव की चपेट में आ गया। त्राल एनकाउंटर के बहाने मीरवाइज के समर्थकों को काबू में रखने के लिए पुलिस को ताकत दिखानी पड़ी। श्रीनगर की सड़कों पर एक बार फिर से जैसे पथराव युग ने दस्तक दे दी। दोपहर बाद मसर्रत की गिरफ्तारी और त्राल एनकाउंटर को लेकर मिले जुले गुस्से के मारे भीड़ सड़कों पर उतरी तो पुलिस को जवाब में आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पूरा शहर जैसे धुआं धुआं होकर आतंक के साए में खो गया। हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक अब पूरे दृश्य में प्रकट हुए और उसी चेतावनी को दोहराया जो मसर्रत की जुबान पर सवार था। दरअसल पुलिस ने त्राल एनकाउंटर के बहाने शहर में रैली को पहले ही रोक दिया था। गिलानी समेत सारे बड़े नेता नजरबंद किए जा चुके थे। मीरवाइज बाहर तो थे, लेकिन उनके समर्थकों ने भी वही हरकत की जिसकी सजा मसर्रत गिरफ्तार होकर भुगत रहा है। दोपहर से लेकर शाम तक श्रीनगर की सड़कें जवानों और अलगाववादियों के बीच झड़पों की गवाह बनती रही। मसला दिल्ली से लेकर उन नेताओं की जानकारी में था जिन्होंने साझा सरकार को खड़ा किया था। राम माधव ने कानून का हवाला तो दिया, लेकिन पथराव का इतिहास भी समझा दिया। लैंड ऑर्डर का इश्यू है भाई, सरकार हैंडल करेगी, पुलिस हैंडल करेगी। अमरनाथ यात्रा पे गलत है कि जो डील दी गई उसकी वजह से इनको मोटिवेशन मिला और फिर से एक हालात। आपके जम्मू कश्मीर में पथराव पहली बार हो रहा है। सवाल ये उठता है कि मोदी मुफ्ती के कश्मीर में हालात क्यों नहीं संभल रहे? क्या मसर्रत को गिरफ्तार करने में देरी या कश्मीर पर ढुलमुल रवैये के चलते श्रीनगर को इसी खौफ का सामना करना होगा? अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। मसर्रत की गिरफ्तारी की खबर श्रीनगर में फैली तो उसके समर्थक सड़क पर उतर आए। सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर पत्थर फेंके गए। मसला त्राल में हुए एनकाउंटर का भी था। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के जमकर गोले छोड़े। इससे पहले कल तक दहाड़ने वाला अलगाववादी मसरत आलम नजरबंदी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद मसरत को शहीदगंज पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उसके बाद उसे बड़गाम पुलिस स्टेशन शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस ने उसे यहां कोर्ट में पेश किया। मसरत की गिरफ्तारी यूं ही नहीं हुई है। दरअसल केंद्र के दबाव और बीजेपी की स्पष्ट चेतावनी के बाद मुफ्ती सरकार हरकत में आई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को बेहद कड़े अंदाज में पाकिस्तान परस्त मसरत की आजादी को जब्त करने का संदेश दिया था। कल तक कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की बात करने वाले सीएम के भी सुर बदल गए। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने साफ कहा, किसी को भी भारत की धरती पर पाकिस्तान का झंडा बुलंद करने और पाकिस्तान के नाम के नारे लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हमारा स्टैंड मौकिफ इन विषयों को लेकर के सदा कंसिस्टेंट रहा, स्पष्ट रहा। जब हम विरोधी दल के रूप में थे केंद्र में, प्रदेश में, तब भी था, आज भी है। आतंकवाद को लेकर के, अलगाववाद को लेकर के कोई समझौता नहीं है। दरअसल मसरत की गिरफ्तारी की रणनीति दिल्ली में बनी। सबसे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुफ्ती मोहम्मद सईद से बात की और मसरत पर बिना देरी किए कार्रवाई की बात कही। इसके बाद गृह मंत्री ने मुख्य सचिव और डीजीपी से भी बात की। साफ है मुफ्ती पर इसका असर हुआ और पहले सैयद अली शाह गिलानी अपने घर में ही कैद कर लिए गए, फिर मसरत आलम। इसके बाद आज सुबह उसकी गिरफ्तारी हुई। मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को लेकर हमारी सरकार किसी भी सूरत में समझौता नहीं कर सकती। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि देशद्रोह की हरकत करने वाले किसी भी व्यक्ति को माफ नहीं किया जाएगा। इन सब के बीच बीजेपी जनरल सेक्रेटरी राम माधव दिल्ली से जम्मू के लिए रवाना हुए। बीजेपी वर्किंग कमेटी की दो दिन की बैठक बुलाई गई है। पार्टी ने पीडीपी को साफ शब्दों में इसका संदेश भी दिया है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ अशरफ वाणी, श्रीनगर आज तक।